सोमवार को भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख के जन्मदिवस के अवसर पर 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति और उनकी मुक्ति का रास्ता विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन की सांस्कृतिक टीम द्वारा आ गए यहां जवां कदम जिंदगी की ढूंढते हुए गाने से किया गया। हिंदी विभाग BHU की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका सोनकर ने अकादमी जगत में जाति और जेंडर का प्रभाव विषय पर अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी बदलाव समानता की बुनियाद पर ही हो सकता है। किसी भी ऊंच नीच की सोच के साथ हम कोई आमूल बदलाव नहीं ला सकते। आज भी एकेडमिक जगत में महिलाओं की संख्या काफी कम है। वर्षों के संघर्ष के बाद भी आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव बना हुआ है। शिक्षण संस्थानों में पदों पर आज भी पुरुष ही विद्यमान है। प्राचीन समय से ही चले आ रहे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों और किस प्रकार से महिलाएं संघर्ष करके वर्तमान समय में आज के परिवेश में सामाजिक परिवेश में समानता के अधिकार के लिए लड़ रही हैं, उसी के संबंध में आज का कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग समाज को और कैंपस में सभी कैंपेनिंग के माध्यम से कैंपस में सभी छात्र छात्राओं को इस बात से अवगत कराए हैं और यह बताने के लिए ही यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा, समता और समाज में बराबरी का अधिकार मिले।